हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटो एडवाइस। आज बात करेंगे उन सात एसेसरीज की जो आपकी गाड़ी को कंफर्टेबल बना देंगी और साथ ही साथ दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम होंगी। ये सभी एसेसरीज मैंने अपनी कार के लिए खुद परचेज की हैं, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी यूजफुल एसेसरीज हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहली जो कार एसेसरी है वो है एक अच्छी क्वालिटी का स्टेयरिंग कवर। यहाँ पर ये मैंने लेदर का स्टेयरिंग कवर लिया है जिस पे ग्रिप काफ़ी अच्छी बनती है और लॉन्ग हाईवे जर्नीस पे आपके हाथों पे यहाँ पे निशान भी नहीं पड़ेंगे। कुछ स्टेयरिंग कवर स्टिचिंग वाले आते हैं, मैं उनको रेकमेंड नहीं करता। आप इस तरह का ले सकते हैं जिसको लगाना और उतारना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, लुक कैसी आती है स्टेयरिंग की। दोस्तों, अगली कार एसेसरी है एक अच्छी क्वालिटी का नेक कुशन जिसे आप किसी भी सीट पे लगा सकते हैं और ये आपकी नेक को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा। दोस्तों, अगली कार एसेसरी है एक अच्छी क्वालिटी का आर्म रेस्ट जो कि आपकी हाईवे राइड्स को काफ़ी कंफर्टेबल बना देता है। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरह का आर्म रेस्ट लें। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ये मिलता है वुड का, इसमें आपको कोई फिटिंग नहीं करवानी पड़ती, ये सिंपल यहाँ पर फिट हो जाएगा दोनों सीट के बीच में, ठीक है। और एक दूसरा आर्म रेस्ट आता है इस तरह का, ये आपको प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, ABS मटेरियल के अंदर मिलता है। तो ये थोड़ा फिट और फिनिश आपको स्टार्टिंग में तो अच्छी लगेगी इसकी, बट ये काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है क्योंकि अगर आप इस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये टूट भी सकता है। और इसके लिए आपको प्रॉपर फिटिंग करवानी पड़ेगी, ड्रिल करवाने पड़ेंगे, अलग अलग अटैचमेंट्स आती हैं इसकी। तो ये रेकमेंड मैं नहीं करता। अगर आपको अपनी गाड़ी में लगाना है तो सिंपल वुड वाला लगाइए जिसे आप ईजिली निकाल सकते हैं, किसी भी गाड़ी में लगा सकते हैं। प्राइस की बात करें तो इस आर्मरेस्ट को कभी भी ऑनलाइन मत खरीदना क्योंकि वहाँ काफ़ी महंगे मिलेंगे। मुझे ये वाला आर्मरेस्ट 500 रुपये में मिल गया था जिसे मैं कम से कम 6 महीने तो हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए और अभी तक इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई है। इसके अंदर छोटा कंपार्टमेंट भी मिल जाता है जहाँ पर फ़ोन वगैरह ईजिली रख सकते हैं। तो आप इस तरह का आर्मरेस्ट अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। लगाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ जाएगी, काफ़ी अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है और आपके एल्बो को काफ़ी अच्छा इसमें सपोर्ट भी मिल जाता है। दोस्तों, अगली कार एसेसरी है एक अच्छी क्वालिटी का फ्लोर मैट जो कि वाटरप्रूफ भी होना चाहिए, यानी अगर उस पर कुछ गिर जाए तो आप उसे सिंपली बाहर करके रिमूव कर सकें और आपकी गाड़ी के अंदर किसी भी तरह का डैमेज ना हो। दिखने में तो ये अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ यूज़फुल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्लोर मैट लगाने के बाद लुक कुछ इस तरह से आया है, कार का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। बट आपको लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ही परचेज करना है। मैंने ये फ्लोर मैट motorhunk.com से लिया है, तो वहाँ पर क्या होता है, आप अपनी गाड़ी के साइज़ का ही परचेज कर सकते हैं। उसमें आपको अपनी गाड़ी सेलेक्ट करनी होती है, वेरियंट सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाती है, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगली जो कार एसेसरी है वो है ये कार पैडल जो कि एक्स्ट्रा ग्रिप तो प्रोवाइड करते ही हैं और वहीं देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसे इंस्टॉल करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि लुक इसका कैसा आ रहा है। इसको लगाना काफ़ी आसान है, सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उसके बाद सॉकेट लगाने के बाद आपको पैडल के ऊपर फिक्स इसे कर देना है और यहाँ पर जो सॉकेट्स हैं उनको आप पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं जिससे ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद जितने भी स्क्रू हैं उनको आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, बाकी पेडल्स भी आप इसी तरह लगा सकते हैं। फाइनली लगने के बाद काफ़ी प्रीमियम लगते हैं और आपको पैर पे ग्रिप भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अगली एसेसरीज उनके लिए है जिनको लॉन्ग हाईवे जर्नीस पे बैक पेन रहता है, तो वो अपनी सीट के पीछे ये लगा सकते हैं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देगा आपकी बैक को। कुशन बहुत ही सॉफ्ट है, ऊपर आपको वेलवेट टच मिल जाता है, एलिगेंट कंपनी का है, मुझे ये सबसे बेस्ट लगा है और जब भी मैं हाईवे टूर करता हूँ तो मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो अगर आपको भी बैक पेन रहता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो लास्ट एसेसरी है कार मफलर।
इसको भी इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सिंपल आपको नट लूज करने हैं और उसके बाद एग्जॉस्ट पाइप में फिट करने के बाद इन सभी नटों को आपने टाइट करना है अच्छे से। इससे गाड़ी की थोड़ी बहुत साउंड भी इम्प्रूव हो जाती है, सुन सकते हैं आप। दोस्तों ये सभी एक्सेसरीज काफ़ी महंगी नहीं है, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बाइंग लिंक मिल जाएगा अमेजन साइट का, वहाँ से आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे जल्दी से लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जब भी आप फोर व्हीलर चलाएँ हमेशा सीट बेल्ट जरूर लगाएँ।